जी मैं हूँ अबूजा रिजवी, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर, और मैं बताना चाहूँगा कि शिराज जी के साथ और रिबेका मैम के साथ कई प्रोजेक्ट्स से पहले कर चुका मैं, फिल्म भी कर चुका कई, और अब की जो है रिबेका मैम ने पहले फ़ोन किया और कहने लगी देखो अब की सरप्राइज से मैं देना चाह रही हूँ, मैं तुमको आती हूँ तो बात करूँगी। फिर आई तो उन्होंने बताया इस तरह से एक एल्बम करना है और ये नागालैंड का एक सिंगर है जो इस वक्त इसको सुन लो और काफ़ी नाम हो रहा है इसका, सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर इसके साथ ये गाना हम लोगों ने प्लान किया और इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि नहीं ही इज़ रियली वेरी टैलेंटेड सिंगर, और बल्कि मैं ये बोलूँगा कि बॉलीवुड में पहली बार एंट्री है इनकी और बहुत अच्छी तरह से एंट्री मैडम ने किया है, और आने वाले दिनों में मैं कहना चाहूँगा कि शायद नॉर्थ ईस्ट से एक नए सूर्य का उदय हो रहा है सिंगिंग। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक देना कितना ज़्यादा आपको लगता है चुनौतीपूर्ण रहता है, अगर कहें क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म होता है बॉलीवुड म्यूजिक के कंपेरिज में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं म्यूजिक तो देखिए क्या है, म्यूजिक तो मैं पिछले दो दशक से दे ही रहा हूँ, और इसके अलावा जो है वो देख बाय देख और आपका गुंजा और कई फिल्में कर चुका हूँ मैंने, अभी बॉलीवुड मूवीज कई कर चुका हूँ, तो इंडिपेंडेंट ही दे रहा हूँ, मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है, और जब आप काम करने के बाद जब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये रिज़ल्ट आया और लोग आप लोग पसंद करते हैं तो फिर मज़ा जो आता है वो एक अलग बात होती है।